हेलो स्टूडेंट्स, सो इन मैथ ऑफ क्लास सेवेंथ वी वर स्टडिंग अबाउट डेसिमल्स एंड इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाई 10, 100, 1000 एट्सेट्रा, मतलब डेसिमल्स को उन नंबरों से जैसे कि 10, 100, 10,000 इस तरह के नंबरों से कैसे डिवाइड करना है तो वो सीखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, 14.72 को डिवाइड करना है हमें 10 से, बाई 10 लिखा हुआ है तो डिवाइड करना है 10 से। तो इनको डिवाइड करने का क्या है कि 14.72 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो सिंपली हमें ये देखना है कि नीचे कितने जीरो हैं। एक जीरो है तो 1472 रख दिए पूरा नंबर। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट थी और यहाँ एक जीरो नीचे भी है तो हमारे पास टोटल हो गए 3 डिजिट, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, 19.2128 को डिवाइड किया गया है किससे, 10,000 से। तो 19.128/10,000, क्लियर। फिर यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और नीचे 4 डिजिट हैं, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। इसका मतलब कि 19128 ये हो गया। अब 7 डिजिट हमें चाहिए जबकि यहाँ हमारी 5 डिजिट है, तो हमने एक जीरो यहाँ बढ़ा दी, एक जीरो ये बढ़ा दी, अब ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह करना है कि ऊपर डेसिमल जो डिविडेंड है उसमें देख लेना हमारे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है और उसके बाद नीचे के जीरोस काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद उतनी डिजिट या उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। किसी भी डेसिमल को जब हम किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें देखना है कि क्या आंसर आता है। तो एग्जांपल 8 जैसे दिया हुआ है कि 87.22 को हमें 14 से डिवाइड करना है, 87.22 को हमें 14 से डिवाइड करना है, क्लियर। तो सिंपली लिख लीजिए 87.22, करिए 84, 3 आया, 2 आया, 2 आया, 84 आया, 2 आया, 3 आया, 42, रिमाइंडर आ गया 0, क्लियर इतना आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये नंबर है इसमें देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो जो क्वेश्चन आया उसमें उतनी डिजिट के पहले पॉइंट रख देना है, क्लियर, और आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अ मल्टीप्लाई ऑफ 10,000, 100 एट्सेट्रा, मतलब कि हमें ऐसे डेसिमल्स को ऐसे नंबरों से डिवाइड करना है जो हमारे 10, 100 या 1000 इनके मल्टीप्लाई हैं। 10 के मल्टीप्लाई जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40, इस तरह के नंबरों से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 156.8 को डिवाइड करना है हमें 40 से, क्लियर। तो 156.8 को 40 से डिवाइड करना है तो, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4×10 लिख सकते हैं, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद 4 से हम इस पूरे नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 392 और पॉइंट लगा दिया अपॉन 10, क्लियर। अब नीचे ऊपर देखिए आप लोग, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे एक जीरो है तो ये लिख दिया। अब एक डिजिट ये है, एक जीरो ये है, तो 2 डिजिट हो गई, तो 1, 2 यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया और आप लोगों का ये आंसर आ गया।
तो अगर कोई भी मल्टीपल होता है, अगर यहाँ पे 400 भी दिया होता है तो फोर, अगर ये 400 दिया होता तब हम इसको 4 × 100 लिख सकते थे। फिर 4 से पहले इस नंबर को डिवाइड कर लो, उसके बाद जो भी नंबर है उससे इसको डिवाइड कर दो। तो आप लोगों का अगर हमारा यहाँ 100 होता तब यहाँ पे जी पॉइंट न लग करके यहाँ पे लग जाता। तो सिंपली मल्टी फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना है और डिवाइड कर देना है। अब किसी डेसिमल को जब हम किसी डेसिमल से डिवाइड करते हैं तब हमारा कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 41.008 को डिवाइड करना है 1.6 से, तो 41.008 को जब हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तब देखते हैं। तो सिंपली 1.6 एंड 41.008 लिख दिया, 2 टाइम्स गया पहले, 32 आ गया, 9 आया, ये 0 को यहाँ उतार लिया। अब हमारा 5 टाइम्स गया, 80 आया, यहाँ से 10 रिमाइंडर, एक 0 ये आया। 6 टाइम्स गया, 96 आया, 4 आया और एक 8 जो बचा था, फिर 3, तो यहाँ पे आ गया क्या 48 और ये आपका रिमाइंडर पूरा। तो आपका आंसर क्या आ गया 2563। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ऊपर भी डेसिमल पॉइंट लगा है, नीचे भी पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इस 3 में 1 को घटा देंगे। जब 3 में 1 को घटाया तो 2 आया, तो हम उतनी ही डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे और आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों को ऐसे ही करने हैं, यही 3-4 मेथड है, इनके अलावा और कोई मेथड नहीं है। एंड आई होप कि आप सभी को डिवाइड करना तो आता ही होगा, बेसिक डिवीजन आता ही होगा, सो वैसे ही डिवाइड करना है बस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।